बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं वो मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एज ए मीडिया पार्टनर इस मैंगो फेस्टिवल को कामयाब करने के लिए बड़ी मेहनत की है और बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है। और ये चौथा मैंगो फेस्टिवल है जो इश्क और मोहब्बत पाकिस्तानियों के अंदर है दियार गैर में अपने मुल्क के लिए, वो आज मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ हज़ारों लोग फिर रहे हैं, कुछ लोग मैंगो लेने के लिए वेट कर रहे हैं और ये सेकंड ओपनिंग कर रहे हैं कि हमें एक ओपनिंग में इतना जम्मे गफीर संभाला नहीं जा सकता था, तो हमने डिप्लोमेट्स और कुवैती गेस्ट जो हैं और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए एक ओपनिंग की है। अभी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए करने लगे हैं और ये मशवरा एम्बेसडर साहब ने दिया था ताकि हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें। और मैं सारी कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ कि सफारतखाना पाकिस्तान ने बिलखसूस सफीर पाकिस्तान और तमाम अमले ने जो हमारी सपोर्ट की, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और वह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने अपने पेज पे लगा के, फेसबुक पे लगा के, बैनर्स बना के लगा के इसकी तशहीर की और अल्लाह के फजल करम से कि अनकाउंटेबल लोग आए। अभी मुझे जमिया वालों ने यह कहा कि लोग 20-20 पैकेट लेके जा रहे हैं, तो हम ये 20 नहीं देना चाहते, 10 देंगे, 5 देंगे। मैंने कहा कि 7 टन माल नीचे पड़ा है, सुबह 5 टन और होने वाला है और उसके पाइपलाइन रात को और आएगा, आप अपना डिसीजन जो करते हैं हम उसमें दखल नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ रश हो रहा है, उनकी सेल पे दूसरी सेल पे जो असर पड़ रहा है इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन किया है। बहरहाल मेरी तरफ से उन्हें यह है कि आप ओपन करें, लोगों को लेने दें, इंशाल्लाह एक पूरे पैनल की शक्ल में अभी वहाँ जाके हम अंदर भी देखेंगे कि जो हमने अंदर बनाया हुआ है, तो अल्लाह के फजल करम से उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी मैंगो के हवाले से जो इवेंट होंगे इसी तरह का अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और पाकिस्तानी मैंगो ने कुवैत की मार्केट में अपनी जगह बना ली है, ये मैं आज कह सकता हूँ बड़े फख्र के साथ। एक वक्त था कि लोग मुझे कंप्लेन करते, पाकिस्तान बिजनेस सेंटर को कंप्लेन करते जी इंडियन के नाम से बिक रहा है, फलाने नाम से बिक रहा है, आज पाकिस्तानी मैंगो अपने नाम से बिक रहा है पूरी कुवैत में, ये बड़े फख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 55,000 केजी मैंगो इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन से कुवैत में पहुँच चुका है और वो ऑन सेल है और बिक रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है जो हम सब का टीम वर्क है, मेरे अकेले का काम नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया सारे के सारे जो मीडिया वाले हैं, मैं नाम लूँगा तो 35 लोग बनते हैं, एक लंबी लिस्ट बनेगी, तो मैं सब का इंतहाई मशहूर हूँ। मैं कोई टीवी का इंतहाई मशहूर हूँ, अरब टाइम का, कोई टाइम का, अलकबस, शाहिद, इसके बाद राय आलाम और इस तरह तकरीबन 12 के करीब लोग आए हुए थे अरब मीडिया के, उन सब का इंतहाई मशहूर हूँ। हम सब जाते जाते चूँकि अभी लॉन्चिंग होने वाली है सेकेंड, 3 इवेंट किया आपने जी, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, ज़ाहिर है आपने तजर्बे किए, इन तजर्बात की रोशनी में आपने क्या प्लान किया था कि कितना एक यहाँ पे आप स्टॉक लेके आएंगे, ये आपने महसूस किया? देखें जी, सबसे बड़ी बात है कि हम ज़ारा जमिया के इंतहाई मशहूर हैं जो हमें ये फ्री जगह देते हैं, अदर ये 1000 दिनार की इन्वेस्टमेंट है, एक इतना बड़ा इन्वायरमेंट जहाँ पे 5000 बंदा भी खड़ा हो सकता है, और उसके बाद अंदर सेल पॉइंट भी हमें देते हैं और इसके साथ साथ ये है कि हर किस्म का तावन भी हमें करते हैं, तो ये बड़ा बेनिफिट है कि अब 3 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं तो इतना सारा इनके सेल पॉइंट पे और एग्जिट पे रश है, अंदर इतना रश है, तो इनको बेनिफिट तो है, लेकिन ये जगह का इंतखाब करने की ये वजह इनका तावन है। पाकिस्तान एम्बेसी का इसमें बड़ा मेजर रोल है और हमने इसको चूंकि चौथा फेस्टिवल है बहुत लर्न किया, पाकिस्तान बिजनेस सेंटर की टीम ने जो काम किया है, जो हमारे डिज़ाइनर ने काम किया है, बिलखसूस मैं नदीम अकबर का नाम लेना चाहूँगा कि जिसने इतनी मेहनत की है और हमारी टीम जिन्होंने ये ब्रांडिंग की है, और ये देखें आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किसी लेवल पे काम नहीं है, हमने ये देखें डेंगलर सारे लगाए हैं, हर मैंगो की वैरायटी उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ हैंग किया का कि ताकि ना सिर्फ मैंगो का नाम बल्कि टाइप ऑफ मैंगो, जो वैरायटी ऑफ मैंगो है वो भी पाकिस्तानी के अलावा दूसरे लोग इसको जाने, और आज लोग बाई नेम पूछते हैं मुझे चौंसा चाहिए, मुझे सिदड़ी चाहिए, मुझे अनुर राठौर चाहिए, तो ये चीज़ हमने मार्केट करके लोगों को इंट्रोड्यूस कराई है, हमें बड़ा फ़ख्र है अपनी प्रोडक्ट पर, और ये अल्लाह की खास नेमत है कि ये किंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड मैं कहूँगा नॉट पाकिस्तान, कि इसके अगेंस्ट कोई ऐसा मैंगो नहीं है जो इसकी जगह पे आके खड़ा होके सेल पॉइंट बन सके, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अता की हुई अल्लाह की नेमत को सलाम है, अल्लाह ताला इसे हमेशा के लिए कायम और दायम रखे और सलामत रखे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर एम्बेसडर ने टेस्ट भी किया जो यहाँ पे 12 तकरीबन आए थे जी, क्या फीलिंग थी कि इतना मीठा आम? फीलिंग ये है कि मुझे हैरानगी हुई कि जर्मन एम्बेसडर अराउंड 10 to 15 मिनट यहाँ वेट किया उन्होंने, और मैंने कहा कि आपको तो एम्बेसडर साहब दे चुके हैं, कहते हैं आई वॉन्ट सेपरेटली नॉट विद द कैमरा बट मुझे एक और बैग चाहिए, पैक चाहिए, इस तरह
گوانا کے امبیسٹر کو بھی دیا, اس طرح سب نے جس جس کا لگا نا. یہاں کویتی کسٹمر جو ہیں, دوست ہیں ہمارے جو, وہ کہتے ہیں ایک نہیں دو دے دیں. کویت ٹی وی کا جو ڈائریکٹر ہے میرا دوست ہے, کہتا ہے میری ماما کے لیے چاہیے. اچھا میں نے ایک پیکٹ اسے دیا 5 کے جی کا, ایک اس کا ماما کے لیے دیا, کہتا میں نے ایک نہیں لینا. میں نے کہتا میں گھر بھیجوں گا انشاءاللہ. یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی, یہ دوستی بھی ہے اور یہ اس مینگو کی خصوصیت بھی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ لوگ اس طریقے سے مینگو لے رہے ہیں, اور یہ آپ دیکھیں کیمرہ گھما کے کتنا رش ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامت رکھے. میری دعا ہے کہ حافظ شبیر جیسے ایک دو اور پیدا ہو جائیں یا آ جائیں, تو یقین طور پر ایک اچھا امیج ہوگا اور یقین طور پر ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. اب تھوڑی دیر بعد